आज के बिजी टाइम में हम भूल जाते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, जो आगे आने वाले टाइम में इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से होने वाले हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में, जिसे आप हेल्दी लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज हेल्दी लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ PCOD एंड PCOS क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. जनरली हम समझते हैं दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है. दोनों में स्लाइट डिफरेंस है. दोनों ओवरी से रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट दोनों में स्लाइट सा डिफरेंस है. PCOD इज पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम एंड PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज. PCOD में आपके छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और PCOS में आपके बहुत ज़्यादा सिस्ट बनते हैं दोनों ओवरीज में. और इसका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है PCOD से. सो PCOD एंड PCOS के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि जिसे PCOD हो उसे भी सेम सिम्टम्स हों, सेम प्रॉब्लम्स हों जो PCOS में होती हैं. सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए. इस इमेज से आपको पता चलेगा कि नॉर्मल ओवरी कैसी दिखती है एंड ओवरी विद सिस्ट कैसे दिखाई देता है. इन केस ऑफ नॉर्मल ओवरी हर महीने एग ओव्यूलेशन होता है, बट इन केस ऑफ ओवरी विद सिस्ट हर महीने एग ओव्यूलेशन नहीं हो पाता. एग की जगह पे पानी के गोले बन जाते हैं जिन्हें हम सिस्ट बोलते हैं, और सिस्ट की वजह से ही एग ओव्यूलेशन हर महीने नहीं हो पाता. सो पॉलीसिस्टिक ओवरी इफेक्ट करता है आपके दो हार्मोन को, विच आर प्रोगेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. इसमें प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल लो हो जाता है एंड एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है. इवन आपका इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. PCOD एंड PCOS के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं. मेल हार्मोन बढ़ जाता है. ये जरूरी नहीं कि जिसे PCOD हो उसे भी सेम सिम्टम्स हो, सेम प्रॉब्लम्स हो जो PCOS में होती हैं, बट हर किसी को एक जैसे सिम्टम्स हो ये ज़रूरी नहीं. तो आगे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केस में नज़र आते हैं. ये सब सिम्टम आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. तो सबसे पहला सिम्टम है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. इसमें आपकी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाती है, किसी महीने होती है और किसी महीने नहीं होती है. साथ ही साथ कई केसेस पे मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाती है, बिल्कुल भी कई महीनों तक होती ही नहीं है, और कई बार बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन भी देखी जाती है. साथ ही साथ वेट गेन का प्रॉब्लम भी जनरली फीमेल में दिखाई देता है, और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं. अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है या बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है फेस पे या कहीं भी, और साथ ही साथ हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी होता है, हेयर फॉल भी होने लगता है. इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे डिफ़िकल्टी आती है प्रेग्नेंट होने में या कंसीव. दिस इज़ ऑल अबाउट PCOS एंड PCOD. बिफोर स्टार्टिंग माई स्टोरी, दिस थिंग यू ऑल नीड टू नो दैट PCOS का कोई क्योर नहीं है साइंस में. ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट देयर इज़ नो 100% गारंटी. आफ्टर दैट ऑल्सो यू विल कंसीव और नॉट. एंड PCOS कोई डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से सही कर सकते हैं. क्योंकि मेरे केस में मैंने कंसीव किया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं. सो गाइज लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में कब पता चला. मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई थी. उस टाइम मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोला, विच वॉज नेगेटिव. देन शी आस्क मी फॉर अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड से मुझे पता चला कि मेरे दोनों ओवरीज में बिलेटरल सिस्ट है. जब मैंने ये सुना दैट टाइम इट वॉज लाइक वेरी ट्रामेटिक सिचुएशन, क्योंकि मुझे बस इतना इन्फॉर्मेशन थी सिस्ट के बारे में. अगर आपको सिस्ट है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है. सो डॉक्टर आस्क मी
आर यू ट्राइंग टू कंसीव? सो मैंने बोला अभी वी आर नॉट ट्राइंग. सो डॉक्टर ने बोला कि देन इन दैट केस अगर आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आती है देन कंसल्ट. अदरवाइज PCOS कोई हार्म नहीं करते, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन वो कंसीव कर लेते हैं. सो डॉक्टर ने मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इवन करने के लिए 5 डेज की टेबलेट दी थी. सो मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये नहीं बोल सकते कि इवन हो गया था, मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब भी अनइवन ही था. बट मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी तो विल कंसल्ट डॉक्टर अगेन, अगर नहीं आई तो देन इट्स गुड. इसी से क्योंकि शादी से पहले भी कई लड़कियों को ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो डॉक्टर यही कंसल्ट करती है, क्योंकि उस टाइम नीड नहीं होती आगे के ट्रीटमेंट की, इसलिए डॉक्टर ये कंसल्ट करती है. सो आफ्टर 2 ईयर्स जब हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे वी कंसल्ट टू अ डॉक्टर, क्योंकि मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज़्यादा अनइवन थी. तो डॉक्टर ने उस टाइम भी मुझे पहले 5 डेज की टैबलेट दी मेंस्ट्रुएशन होने के लिए. देन शी टोल्ड मी कि आपको दोबारा आना है, विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस. सो आई आस्क हर कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस. उन्होंने बोला फॉर योर अनइवन मेंस्ट्रुएशन विल गिव यू 3 मंथ्स टैबलेट विच विल बी पिल्स. में 21 पिल्स होती हैं जो आपको 3 महीने तक लगातार खानी होती हैं. एंड आफ्टर दैट मैंने पूछा कि व्हाट आर द चांसेस दैट कि मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इवन हो जाएगा एंड व्हाट आर द चांसेस टू कंसीव. तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि देयर आर चांसेस बट नॉट 100% चांसेस आर देयर. सो दवाई खाने के बाद भी 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर होगी या नहीं होगी. सो आफ्टर दैट आई टोल्ड हर कि अगर मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है इवन देन इन दैट आफ्टर दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस. शी टोल्ड मी कि विल चेक योर फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि कई बार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण से भी आप कंसीव नहीं कर पाते. दिस इज़ द सेकेंड प्रोसेस. आफ्टर दैट भी अगर ये चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है देन विल डू योर माइनर सिस्ट ऑपरेशन, जिसमें आपके सिस्ट का ऑपरेशन होगा. लेट मी टेल यू वन थिंग, मोस्ट आपकी ओवरीज से बाहर नहीं निकाले जाते, उन्हें दबाया जाता है. क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सिस्ट पानी के गोले होते हैं, तो उन गोलों को जो माइनर सा ऑपरेशन होता है उन गोलों को दबाया जाता है सो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इवन हो जाए, इसीलिए सिस्ट का ऑपरेशन होता है. बट आफ्टर दैट ऑल्सो सिस्ट, अगर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो दोबारा आ सकते हैं. तो तभी मैंने आपको बोला कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बट कोई गारंटी नहीं है. अगर इन सब के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो बहुत आगे के प्रोसेस होते हैं IVF वगैरह. तो डॉक्टर ने मुझे यहीं तक बोला था कि आगे के प्रोसेस हैं IVF एंड ऑल. तो उस दिन मुझे ये चीज़ पता चली और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो. ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या क्योर है. तो तब मुझे पता चला कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का कोई क्योर नहीं है, इसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही सही कर सकते हैं. तो गाइस मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे केस में इट टुक 8 मंथ्स. तो मैंने क्या क्या किया इसको करने के लिए मैं आपको बताती हूँ. और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, आधी इन्फॉर्मेशन हो या थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो किसी चीज़ के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. तो प्लीज़ पहले उस चीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन गेन कर लें देन गो फॉर एनी ट्रीटमेंट. जस्ट ये सब करके देखिए बिकॉज देयर आर चांसेस
और अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो उनमें भी आपको कोई 100% गारंटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब है कि इसे आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद ही आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आपका वेट गेन हो गया तो इन दैट केस सबसे पहले आपको वेट लॉस करना होगा। वेट लॉस एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही हो सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मैंने सबसे पहले कट किया, बिल्कुल अवॉइड किया फास्ट फूड, जंक फूड, नो मैदा, नो शुगर, नो शुगरी बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, डी फ्राइड चीज़ें बिल्कुल ख़त्म की। एंड मैंने इंक्लूड किया अपनी डाइट में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड मैंने जूसेस पीना शुरू किया, बट नॉट बॉटल्ड जूसेस, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो आपको घर के फ्रूट्स खाने हैं, घर में जूस निकाल के पीना है। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको लिमिट करना होता है अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। तो ये सब चीज़ें तो मैं कर ही रही थी, साथ में एक्सरसाइज में कर रही थी। मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी 30 मिनट्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस, देन ऑफिस से आने के बाद 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करती थी मैं। सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर पीसीओएस, एंड यू कैन डू कार्डियो एंड स्कीपिंग ऑल्सो, विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस। मैं कार्डियो करती थी, स्कीपिंग करती थी, जिससे मेरा वेट तो रिड्यूस हुआ ही, और बिकॉज ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल मेरी साइकिल भी इवन होने लग गई थी। सो इट टुक 8 मंथ्स, फाइनली आई कंसीव्ड। सो गाइज, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पीसीओएस की वजह से कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं और ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऑपरेशन से पहले आप ये सब चीज़ें प्लीज़ करिए, अपना टाइम दीजिए। ये 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल के लिए, आप ये मान के चलिए कि आपको 6 to 12 months अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे ही सर्कल में ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया है, स्टिल उनको बहुत साल हो गए हैं बट वो कंसीव नहीं कर पाए। सो बिफोर गोइंग फॉर ऑपरेशन, जस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। क्योंकि मेरी मेरे केस में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज से मैंने कंसीव किया है। तो डेफिनेटली अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे पीसीओएस है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये मेरी स्टोरी है, अगर आपको अच्छी लगी और आप जानना चाह मेरा पीसीओएस का क्या डाइट प्लान है तो प्लीज़ कमेंट, डेफिनेटली आई विल शेयर माय डाइट प्लान आल्सो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू, बाय।